कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवरलाल शर्मा का निधन। राजस्थान में कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। लंबे समय तक मेदांता में भर्ती रहने के बाद उन्हें जयपुर लाया गया था, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका पार्थिव शरीर हनुमान नगर के आवास पर लाया गया। विद्याधर नगर ब्राह्मण महासभा भवन में उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। सोमवार को सरदार शहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर के जैत सीसर गांव में 17 अप्रैल 1945 को भंवर लाल शर्मा का जन्म हुआ था। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले 1962 में सरदार शहर की जैत सीसर ग्राम पंचायत के सरपंच बने। 1982 तक गांव के सरपंच रहे। इसके बाद 82 में वो सरदार शहर पंचायत समिति के प्रधान चुने। 1985 में पहली बार विधायक बने। भंवर लाल शर्मा ने 1985 में लोक दल से पहला राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। विधायक बनने के बाद शर्मा ने जनता दल पार्टी ज्वाइन की। 1990 में दूसरी बार विधायक बनने में सफल रहे। दूसरी बार विधायक बनने पर भंवर लाल शर्मा को राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मंत्री बनाया। फिर उन्होंने 1996 में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जीता। साल 1998, 2003, 2013 और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे, लेकिन वो लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए रहे। चूरू जिले के सरदार शहर सीट से 7 बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन एक बार भी गहलोत सरकार में मंत्री नहीं बने। भंवरलाल शर्मा के 30 साल के राजनीतिक सफर के दौरान प्रदेश की सरकारों पर 3 बार बड़ा संकट आया, जिसमें उन्होंने संकट मोचक की भूमिका अदा करते हुए काम किया। भंवरलाल ने राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की थी, इस कारण कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान पर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि 2008 विधानसभा चुनाव से पहले फिर से उन्हें बहाल कर दिया गया था। नवभारत समाचार राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट।